तो जो शुरुआत की इनकम थी वहाँ पे भी बचत की जा सकती थी, और आज जो इनकम है उसमें भी बचत की जा सकती है, और फ्यूचर में भी जो इनकम है उसमें बचत कर ली जाएगी। लेकिन तभी जब आप शुरुआत करें, इस बात को, इस सच्चाई को समझे कि पैसे कमाना जितना हार्ड है उससे कहीं ज्यादा हार्ड है उस पैसे को बचाना। तो आप जितना कठिन मेहनत पैसे कमाने के लिए करते हैं उससे थोड़ा कम मेहनत भी अगर आप करते हैं पैसों को बचाने के बारे में, और डिसिप्लिन रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, तो जरूर आप ज्यादा से ज्यादा बचत कर पाएंगे। दोस्तों, पैसों की कमाई, खर्च और उसकी बचत को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको आज जरूर सीख लेनी चाहिए, और वो बात ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए पैसे कमाना जितना हार्ड है उतना ही हार्ड ये है कि वे उस पैसे को बचा पाए। जी हाँ, पैसे कमाना ही सिर्फ हार्ड नहीं है बल्कि उस पैसे को बचाना भी अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, खास तौर से तब जब आप ये बिलीव करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि आप पैसों की रेगुलर बचत कर सके। आप ये सोच रहे हैं कि जब आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी तब आप रेगुलर बचत करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की बिलीव के कारण ही ज्यादातर लोगों के लिए पैसों की बचत करना अपने आप में पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल बन जाता है। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा गौर करें और ध्यान से या तो अपनी लाइफ को देखें या फिर अपने दोस्तों या आसपास के लोगों की लाइफ को देखें और थोड़ा स्टडी करें, थोड़ा एनालिसिस करें कि लोग कितने सालों से या तो कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं और इनकम कमा रहे हैं, पैसे उनके पास आ रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं और आप भी कमा रहे हैं, लेकिन बचत के नाम पर ज्यादातर लोगों का अकाउंट बैलेंस आज के डेट में क्या है, उनके पास कितने पैसे सेविंग से पड़े हुए हैं, तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ज्यादातर लोगों के पास बहुत ही कम, यानी कि एक से दो महीने या तीन महीने की सैलरी के बराबर ही ये अमाउंट पड़े होंगे, इससे ज्यादा नहीं। और हैरानी की बात यह है कि इन सभी लोगों को अगर आप इनसे पूछे कि क्या उन्हें पता नहीं था कि पैसों की बचत जरूरी है, कि उन्होंने पैसे की बचत क्यों नहीं की, तो आप उनके जवाब को अगर ध्यान से समझें तो यही पाएंगे कि उन्हें भी यही लगता था कि जब उनकी इनकम बढ़ जाएगी तब वो बचत करना शुरू कर देंगे, और फिर हुआ ये कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उनकी इनकम इतनी ज्यादा हो गई कि वे रेगुलर बचत कर सके। क्योंकि पैसों की कमाई, खर्च और बचत के बारे में जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि आप पैसों की बचत तभी कर सकते हैं जब आप एक हैबिट डेवलप करें, ये बिलीव करें कि आप जो कमा रहे हैं वो आज अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से आप कमा रहे हैं, और इसी पैसे में से आपको बचाना है, इसी पैसे में से आपको अपने खर्च को मैनेज करना है। और अगर आप इस पैसे में से अपने खर्च को मैनेज नहीं कर सकते और बचत नहीं कर सकते तो आगे अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो भी आप बचत नहीं कर पाएंगे। इस सच्चाई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसों की बचत के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को अनुशासित करें, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें, और आप समझें कि आपकी नेसेसिटी, आपकी नीड्स क्या है, आपके वांट्स क्या है, आपकी टोटल इनकम क्या है, आपकी टोटल बजट क्या है, एक्चुअल में आपकी औकात क्या है और आप कितना खर्च कर रहे हैं, ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्यादातर लोग यहाँ पे अपने आप को कभी छोटे में आंकते नहीं है, हमेशा अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने में, बढ़ा चढ़ा कर खर्च करने में अपने आप को ज्यादा अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, और इस वजह से अक्सर वो अपने बजट से ज्यादा खर्च करते हैं, अपनी पूरी आमदनी को खर्च करते हैं, कम पड़े उधार लेते हैं, क्रेडिट कार्ड, EMI और बाकी चीजें यहाँ पे शुरू हो जाती हैं, और एक बार इस चक्कर में फंसने के बाद से वे कभी इतनी इनकम कमा ही नहीं पाते कि वे रेगुलर बचत कर सके, क्योंकि शुरुआत से ही उन्होंने अनुशासन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। उन्होंने हमेशा यही बिलीव किया कि जब उनकी इनकम बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तभी वो बचत करना शुरू करेंगे, जबकि सच्चाई ये थी और एक्चुअल बात ये थी कि जब वो अपनी हैबिट को डेवलप करते, वो अनुशासन रखते, तो जो शुरुआत की इनकम थी वहां पे भी बचत की जा सकती थी, और आज जो इनकम है उसमें भी बचत की जा सकती है, और फ्यूचर में भी जो इनकम है उसमें बचत कर ली जाएगी। लेकिन तभी जब आप शुरुआत करें, इस बात को, इस सच्चाई को समझे कि पैसे कमाना जितना हार्ड है उससे कहीं ज्यादा हार्ड है उस पैसे को बचाना। तो आप जितना कठिन मेहनत पैसे कमाने के लिए करते हैं उससे थोड़ा कम मेहनत भी अगर आप करते हैं पैसों को बचाने के बारे में, और डिसिप्लिन रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, तो जरूर आप ज्यादा से ज्यादा बचत कर पाएंगे। और यही इस वीडियो का इम्पोर्टेंट लेसन कि आप इस सच्चाई को जरूर समझे कि ना सिर्फ पैसे कमाना हार्ड है बल्कि पैसों को बचाना भी उतना ही हार्ड हो सकता है, खास तौर से अगर आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल इस तरह से हो कि अभी आपकी करंट सिचुएशन में पैसों की बचत कर पाना कठिन है और आप बाद में बचत करना शुरू करेंगे। तो ये बाद का वक्त कभी ऐसा नहीं आएगा कि आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाए और आप आराम से बहुत ही प्यार से बचत कर सकें। क्योंकि दोस्त, याद रखिए कि आप पूरे 30 दिन के जो पैसे कमाते हैं, पूरे 30 दिन मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं वो सिर्फ आप एक दिन में खर्च कर सकते हैं, और इसीलिए पैसों की बचत कर पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि हमेशा आमदनी जो है लिमिटेड होती है, और खर्च जो है वो अगर आप कंट्रोल ना करें, अगर आप समझे नहीं, डिसिप्लिन नहीं रहे,
तो वो जो खर्च है वो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के इम्पोर्टेंट लेसन को आप जरूर याद रखेंगे और अपने आप को अनुशासित रखते हुए जो भी आपकी इनकम है उसमें बचत करने की पूरी कोशिश करेंगे, हैबिट डेवलप करेंगे, अनुशासन रखेंगे और आगे भी जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप आज से ज्यादा बचत करना कर पाएंगे। तो अगर वीडियो और लेसन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।